सर गर्मी आ गई है, एसी की सर ज़रूरत पड़ रही है, तो बहुत मैं कल ज़्यादा। मार्केट में देखने गया था एसी, तो वहाँ दुकानदार ने मेरे से जाते ही क्वेश्चन पूछा कि आपको इन्वर्टर वाला एसी चाहिए या नॉन इन्वर्टर वाला। तो सर क्या इन्वर्टर वाला एसी इन्वर्टर पे रन होता है, इन्वर्टर पे चलता है वो? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये जो क्वेश्चन होगा बहुत सारे लोगों का भी होगा कि क्या इन्वर्टर वाला जो एसी है वो इन्वर्टर पर काम करता है क्या। तो सर मैं बताता हूँ, घरों में जो एसी अपन यूज़ करते हैं उसमें दो टाइप के एसी नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं, एक होता है इन्वर्टर एसी और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टर एसी। तो सर मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि जो इन्वर्टर एसी होगा वो किस पे काम करता होगा, घर पे जो इन्वर्टर लगा उस पे काम करता होगा, यानी लाइट चली भी जाएगी तो भी क्या करेंगे अपन, हमारे इन्वर्टर पर एसी को काम करवा देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ध्यान रखना, ये सब आपकी गलत फहमी है कि जो इन्वर्टर एसी होगा वो इन्वर्टर पर काम करता है। सर इन्वर्टर के लिए जो बैटरी अपन यूज़ करते हैं उसमें इतना पावर नहीं होता है कि वो एसी को रन करवा दे। तो बात ये आती है कि सर इसको फिर इन्वर्टर एसी बोलते क्यों हैं। तो सर इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में डिफरेंस ये होता है कि जो अपने पास में, जैसे मान लो अपन ने एसी चला दिया, एसी मान लो अपने टेम्परेचर 20 डिग्री पर सेंटीग्रेड कर दिया, अब जैसे एसी स्टार्ट होगा धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर कम होगा, तो कमरे जब टेम्परेचर कम होगा तो जो इन्वर्टर एसी होता है उसका जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड भी धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जो इन्वर्टर एसी है वो टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ साथ में क्या होता है, अपनी स्पीड कम कर देता है और उसका पावर कंजप्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि वो पावर कम कंज्यूम करता है। लेकिन अगर नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होगा, तो मैं आप सभी को भी बताता हूँ कि नॉन इन्वर्टर एसी पर अगर आपने टेम्परेचर अगर अपना सेट कर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर अगर आपका कमरे का टेम्परेचर कम भी हो गया ना, तो वो पावर उतना ही कंज्यूम करेगा जितना पहले से कंज्यूम कर रहा है, यानी कि वहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन होने के साथ साथ में जी सर, पावर कंजप्शन पर सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन जो डिफरेंस होता है कि कौन पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा और कौन पावर कम कंज्यूम करेगा। और हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज सर, ये जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी की जो फैसिलिटी होती है ये ओनली सिर्फ स्प्लिट एसी जो अपन यूज करते हैं उसी में होता है, जो विंडोज एसी अपन यूज करते हैं ना तो वहां पर कोई भी इन्वर्टर एसी नहीं होता है। मतलब ओके आपने देखा होगा जनरली जो विंडोज एसी होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करते हैं, उसमें टेम्परेचर अगर मान लो कम भी हो गया तो भी क्या होगा, वो अपना जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड एक फिक्स स्पीड पर चलती रहेगी, तो उसमें कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। तो सर ये मेन डिफरेंस है। तो सभी लोगों को मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी मार्केट में एसी अगर आप लेने जाते हो तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि जो इन्वर्टर एसी है उसका नाम सुनकर आप सोचोगे अच्छा ठीक है मजा आ गया अब तो इन्वर्टर पर काम करेगा, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो सर ये मेन डिफरेंस होता है। जी सर, क्या आप लोगों को भी समझ में आया इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है? तो आप जब भी मार्केट से एसी खरीदने जाओ तो ये ध्यान रखना कि इन्वर्टर एसी इन्वर्टर पे काम नहीं करता है। और सर एक और चीज, जो अपना बिजली का बिल होता है ना, जो इन्वर्टर एसी है वो पूरे ईयरली अगर आप बात करोगे 10-15% जो है बिजली का बिल आपका कम हो जाता है। ये तो मतलब ये हुआ इन्वर्टर एसी एनर्जी एफिशिएंट हुआ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ।